Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई देश गायब हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठा रहे हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया से लगभग विलुप्त हो चुके मांसाहारी धानी प्राणी सतनधारी जानवरों का एक वर्ग है, जो तस्मानिया टेबल का परिवार अब फिर से फल फूल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3000 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब तस्मानिया टेबल ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जंगलों में स्वतंत्र विचरण कर सकेंगे। 3000 साल पहली बार ऐसा होगा जब 3000 सालों में पहली बार तस्मानिया टेबल एक मांसाहारी धानी प्राणी जब केवल ऑस्ट्रेलिया के द्वीप राज्य तस्मानिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका आकार एक छोटे कुत्ते के बराबर होता है। 1963 में थाइलेसिंग के विलुप्त होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी धानी प्राणी बन गया था। तस्मानिया डेविल हूबहू चूहे जैसा दिखाई देता है, लेकिन आकार में चूहे से कई गुना बड़ा होता है। रंग ला रहे डेविल्स को जिंदा रखने की मुहिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस जीव के लिए विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने के बाद इसे बचाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए। दुनिया भर में अपने खतरनाक दांतों, पंजों और काटने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध तस्मानिया डेविल्स को जिंदा रखने के लिए इनको संरक्षित किया गया है। एक समय ऐसा था जब महामारी की चपेट में आने से इस जानवर को विलुप्त माना गया था, लेकिन कुछ जीव बचे तो तस्मानिया का इलाज किया गया। 1990 में महामारी ने ली कई जानवरों की जान 1990 में महामारी ने कई जानवरों की जान ले ली। तस्मानिया डेविल को यह नाम उसके बड़े और नुकीले दांत, तेज पंजों, हमला करने और काटने की खतरनाक क्षमता की वजह से दिया गया है। साल 1990 में इन जानवरों में चेहरे के ट्यूमर की महामारी काफी तेजी से फैली थी, जिसने हजारों जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। 2008 के यूएन रेड लिस्ट जानवरों को बेहद संरक्षित क्षेत्र में रखा गया था। इसके बाद जंगल में जीवित बचे गिनती के डेविल को इलाज के लिए चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों में लाया गया। जंगल में आजादी से घूम सकेंगे डेविल्स विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे। जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था ओसी ऑर्क ने डेविल्स को बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया। ग्रुप के प्रमुख टीम फॉल्कनर ने बताया कि 3000 साल में पहली बार तस्मानिया डेविल को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जंगलों से आजादी से घूमने के लिए छोड़ा गया है।